हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज हम एक छोटी सी स्टोरी की हिंदी बनाएंगे। देखिए, किसी भी स्टोरी की हिंदी बनाना बहुत ही आसान होता है। उसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ आनी चाहिए, एक तो वर्ड मीनिंग्स और दूसरी चीज़ जो होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है ताकि हम सेंटेंस को अच्छे से बना सकें। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। दी फेरीज मिस्टेक, फेरी मीन होता है परी, इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, यानी परी की, मिस्टेक मीन गलती, परी की गलती। लॉन्ग एगो बहुत पहले, फेरी मरीसा परी मरीसा, फोर्ट फोर्ट मीन लड़ी। अब देखिए, फाइट मीन होता है लड़ना, फाइट की सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है फोर्ट, फोर्ट मीन लड़ी यानी सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस की बात है, पहले की बात है, फोर्ट मीन लड़ी। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन के विरुद्ध या के खिलाफ। अनदर फेरी, दूसरी परियों के, अनदर मीन दूसरी, फेरी मीन परियों के। बहुत पहले मरीसा नाम की परी दूसरी परियों के खिलाफ लड़ी। क्वीन फेरी वाज सो एंग्री, क्वीन यानी रानी, फेरी मीन परी, रानी परी, वाज सो एंग्री, वाज मीन थी, सो मीन बहुत, एंग्री मीन गुस्सा, रानी परी बहुत गुस्सा थी। दैट, दैट मीन इसलिए, दैट मीन की भी होता है और दैट मीन इसलिए भी होता है। दैट इसलिए, शी टुक अवे, शी मीन वह, टुक अवे छीन ले गई, टुक अवे टेक अवे होता है छीन लेना, टुक अवे टेक अवे की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, छीन ले गई हर विंग्स उसके पंखों को। एंड और सेंट फेरी मरीसा, सेंट मीन भेज दिया, देखिए सेंट मीन होता है भेजना, यहां पर सेंट की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, सेंट भेज दिया फेरी मरीसा परी मरीसा को टू दी अर्थ जमीन पर। रानी परी बहुत गुस्सा हो गई थी और उसने उसके पंख छीन लिए और मरीसा को जमीन पर भेज दिया। मरीसा रिच्ड अ वुड कटर्स हट, मरीसा रिच मीन होता है पहुंचना, रिच्ड ये रिच की सेकंड फॉर्म है, रिच्ड पहुंची अ वुड कटर्स, वुड कटर यानी वो जो लकड़हारा होता है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, लकड़हारे की, हट मीन झोपड़ी में, मरीसा एक लकड़हारे की झोपड़ी में पहुंची। अब देखिए, यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाए और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, वहां पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो मरीसा रिच्ड अ वुडकटर्स हट, मरीसा एक लकड़हारे की झोपड़ी में पहुंची। द वुडकटर्स, अब देखिए यहाँ पर वुडकटर से पहले हमने ए का यूज किया था, यानी ए वुडकटर, एक लकड़हारे की झोपड़ी में। अब यहां पर हम वुड कटर से पहले द का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हम उस लकड़हारे को अब जान गए हैं कि जिसके हट, जिसकी हट में वो पहुंची थी, तो अब वो स्पेशल हो गया है, इसीलिए हमने द का यूज किया गया है, द वुड कटर, वो लकड़हारा। एंड और हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, हैड नो चिल्ड्रन, हैड मीन थे, नो मीन नहीं, हैड नो नहीं थे, चिल्ड्रन मीन बच्चे, उस लकड़हारे और उसकी पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे। सो इसलिए, दे मीन उन्होंने, दे मीन वे भी होता है, दे मीन उन्होंने भी होता है, दे उन्होंने लविंगली प्यार से टुक केयर, देखिए टेक केयर मीन होता है देखभाल करना, टुक केयर देखभाल की, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म टुक का इस्तेमाल किया है, टुक केयर देखभाल की। ऑफ मरीसास, मरीसा के ब्रोकन आर्म्स, ब्रोकन मीन टूटे हुए, आर्म्स मीन भुजाओं की। एंड और हील्ड हर, हील मीन होता है ठीक कर देना, हील्ड यानी ठीक कर दिया, हर मीन उसे। इसलिए उन्होंने मरीसा की बहुत प्यार से देखभाल की और उसकी टूटे हुए हाथों को भी ठीक कर दिया। वन डे, एक दिन, मरीसा आस्क्ड दी वुड कटर टू ब्रिंग अ स्पाइनिंग व्हील फॉर हर, मरीसा ने आस्क्ड कहा दी वुड कटर, लकड़हारे से, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग व्हील मीन होता है चरखा लाने के लिए, फॉर मीन के लिए, हर मीन उसके लिए। एक दिन मरीसा ने उस लकड़हारे से उसके लिए चरखा लाने को कहा। दी वुड कटर, लकड़हारा, ब्रोट वन, ब्रिंग मीन होता है लाना, यहाँ पर ब्रिंग की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, ब्रोट यानी लाया, वन एक। एंड और मरीसा, वो मीन होता है बुनना, अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम इट, फ्रॉम मीन से, इट मीन इससे, मरीसा ने इससे एक ब्यूटीफुल ड्रेस बनाई या बुनी, वो मीन होता है बनाना या फिर बुनना। दी वुड कटर सोल्ड इट, दी वुड कटर, उस लकड़हारे ने, सोल्ड मीन बेच दिया, सेल मीन होता है बेचना, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, सोल्ड मीन बेच दिया, इट, इट मीन इसे यानी उस ड्रेस को, लकड़हारे ने इसे बेच दिया। एंड अर्नड, एंड मीन और, अर्न मीन होता है कमाना, यहाँ पर अर्न की सेकंड फॉर्म का यूज है, अर्न कमाए, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, फॉर इट इससे, और लकड़हारे ने उस ड्रेस को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया। सून, जल्द ही, मरीसा मेड मोर एंड मोर ड्रेसेस, जल्द ही मरीसा ने और अधिक ड्रेस बना दी। एंड और दी वुड कटर बिकेम रिच, दी वुड कटर यानी वो लकड़हारा, बिकेम मीन हो गया, रिच मीन अमीर, जल्द ही वो लकड़हारा अमीर हो गया। वन डे, एक दिन, दी क्वीन ऑफ दैट किंगडम, दी क्वीन मीन रानी, ऑफ दैट, उस, दैट मीन उस, किंगडम मीन राज्य की, हियर्ड ऑफ मरीसाज ड्रेस, हियर मीन होता है सुनना, हियर्ड सुना, ऑफ मरीसाज, मरीसा की ड्रेसेस, ड्रेसेस के बारे में, एक दिन उस राज्य की रानी ने मरीसा की ड्रेसेस के बारे में सुना।